So guess where I am? I'm at Disneyland Paris and I don't sound so excited because यहाँ पे कुछ issues हो गया है tickets को लेके. जो हमारे tour guide है उन्होंने tickets Paris में ही छोड़ दिया है. अब हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है बिकॉज पेरिस जो सिटी है यहाँ से एक घंटा दूर है एंड हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे हैं. सो मुझे बहुत बुरा लग रहा है बिकॉज आई वाज सो एक्साइटेड फॉर डिज्नीलैंड एंड अभी क्या करना है पता नहीं. मे बी अभी न्यू टिकट खरीदना पड़ेगा. सो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन. तुम लेना So I can't believe that I am finally in Disneyland. I'm super excited because mera aaj dream pura hua hai, one of the dreams. So aaj main hu Aways aur mere baaki Paris doston ke saath. Guys, so hum log abhi Disneyland ke andar hai aur एक बैड न्यूज़ मेरे लिए है कि मेरे शूज़ मुझे बाइट कर रहे हैं. वो न्यू शूज़ है एंड मेरा टो हॉट कर रहा है एंड बहुत चलना है डिज़नीलैंड में. बट ये चीज़ मुझे बॉदर कर रही है. बट आई विल ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ एंड मेक सम वीडियोज़. यही है वो जूते. आप लोग यहाँ पे आने को आए हैं बिकॉज मैं फाइनली एक जगह मिल गई जहाँ पे हम आके खा सकते. सो हम क्या खाने वाले हैं? खाने खाने आए. ये तो मुझे पता ही नहीं था. बट क्या खाने आए? बर्गर बर्गर. वाव, क्या आप थक चुकी हो? थक चुकी हो? मैंने हमने कुछ किया नहीं और हम थक गए हैं गाइस. नो गॉड प्लीज नो नो नो. गाइस, तो हम लोग अभी जा रहे हैं कुछ तूफानी करने. तुम शूट करोगी? हाँ. कि तुम भी आ रही हो? नहीं नहीं, मैं नहीं. स्टेज का कंटेंट यार. मेरे ब्लॉग के लिए इतना नहीं करना था यार. रिकॉर्ड सेट करने वाले हैं वो है कि इंडिया से पेरिस आके डिज्नीलैंड आके हम एक भी राइड पे ना बैठने का रिकॉर्ड शायद आज बनाने वाले हैं. मुझे तो वही फील आ रही है. पर हम सारे राइड्स देखने का रिकॉर्ड बना चुके हैं.
क्योंकि ये राइड पे 75 मिनट्स वेटिंग है, दैट्स मोर देन एन आवर. यहाँ पे धूप तो मुंबई से भी ज्यादा है. कैसे लग रहा तुम? What a ride यार. कैमल राइड नहीं, जरा उठने के कमर बांग जाएंगे वो जो उसकी तरह. 75 मिनट से इधर 85 मिनट क्या करूं, पैसा तो दिया है ना. नजमा थक गई बहुत ज्यादा. मैंने जैसा सोचा था वैसे बिल्कुल भी नहीं जा रहा है दिन आज का, बहुत ही अनप्लान्ड है, बट मजा आ रहा है, बट थकान हो रही है. एक भी राइड पे जाने नहीं मिल रहा है, मतलब क्या बताऊं मैं. 85 मिनट वेटिंग किसको बोलते मालूम भी है क्या? गाइस इट वाज ऑलरेडी प्लान्ड. लगी मेरे थी इसके पहले ऐसा मारा मेरे लगी थी वो मेरे यहाँ पे लगी थी और इसके लगने के बाद हमने सोचा चलो एक और बार ट्राई करते हैं, पर इतना नल्ली एक्टिंग कर रहे हैं हम सब तो हम कैंसिल कर रहे हैं प्लान. और ये देखो क्या कर रही है, इनको पढ़ी नहीं है व्लॉग इनका है और इनको पढ़ी ची नहीं है. क्वैक क्वैक हाँ क्वैक क्वैक मार लो. कोई भूत बंगला है ये गाइस. ये है कीचड़ों का मालिक कचरा सेठ. तो गाइस अभी हम ये केव में से जाकर आए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मजा आए. बाप रे बाप इतनी मजा आई कि मैं बता ही नहीं सकता. ये है मेरी हालत हो चुकी है एकदम खराब क्योंकि हम लोग एकदम पसीने पसीने में थे. और गाइस ऐसा होता नहीं है यूजुअली डिज्नीलैंड में, बट आज ज़्यादा ही कुछ धूप थी. इवन जो मेरे पेरिस वाले फ्रेंड्स हैं उन्होंने कहा कि कंपेरेटिवली आज थोड़ी ज़्यादा गर्मी और धूप थी एंड इट वॉज़ अनबेरेबल. मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, बट वी मैनेज टू मेक फ्यू टिकटॉक्स. एंड हम लोग राइड पर नहीं जा पाए क्योंकि हर राइड में बहुत लाइन थी, बट नॉट टू वरी, शायद मैं वापस आ सकती हूँ. मैं कल भी आ सकती हूँ बिकॉज हमारी कल की भी टिकट है, या फिर मैं कभी और आऊँगी. बट यहाँ पे एक्सपीरियंस करना था और वो मेन है और मज़ा आया. वाह गाइस दिस इज अ ड्रीम प्लेस ऑफ एवरी किड इन इंडिया और अराउंड द वर्ल्ड आई गेस. All the Disney merchandises, oh my god, I'm not sponsored guys by Disney and Disney is Disney guys. बहुत सारे videos बनाए हमने and पूरा Disneyland हमने घूम लिया, but unfortunately एक भी ride पर नहीं जा पाए because बहुत गर्दी थी and हमने weekend choose करके बहुत बड़ी गलती की, but it's all right. I made so many new friends over here in Paris, so I'm so grateful. And see, एक नया friend भी मिला मुझे, उसका नाम है अवेज दरबार. Completely नया market में आया है ये. बहुत नया आया है ये market में. आप भी आया market में? China से लाए थे. मैं भी just आया. China से. और आज ही मेरे 2.6 million followers हो चुके हैं guys ये. 2.6 million, I'm jealous. Me too. नहीं बट आई एम सो हैप्पी दैट इसके इतना फास्ट बढ़ रहे हैं बिकॉज वो उतनी मेहनत भी करता है गाइस. सो अगेन मोटिवेशनल स्पीच पार्ट टू कि आप बहुत मेहनत करो, कंसिस्टेंट रहो अपने कंटेंट को लेके. पीठ दुख रही है, पैर दुख रहे हैं एक्चुअली बिकॉज हमने आज ये हम राइड्स पर बैठ सकते थे बट हम नहीं बैठे. हम सोचे कि आई थिंक हमने एक भी राइड नहीं बैठा क्योंकि हमने सोचा कि कंटेंट बनाते हैं इतनी ब्यूटीफुल जगह पे. हमने घूमा, एक्सपीरियंस बहुत किया, हर जगह देखा, सब कुछ किया, बट
राइड्स पर नहीं बैठे बिकॉज हर राइड को कम से कम 2 घंटा लगता था। सो यही बोलना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी जर्नी थी डिज्नीलैंड में आके, फाइनली मेरा ड्रीम पूरा हो गया, एक एक्सपीरियंस मिल गया। वेरी नाइस प्लेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। बस आज थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा थी कंपेरेटिवली, एंड आई होप आप सबको मज़ा आया होगा ये वीडियो देख के। आई नो मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं की हैं, बट डोंट वरी, आपके लिए बहुत कुछ लाने वाले हैं हम सब लोग। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड टेल देम कि देखो डिज्नीलैंड में गर्मी होगी तो मत जाना क्योंकि यही हाल होगा। ठंडी में आना, यहाँ पे ठंडी में मज़ा आएगा एक्चुअली। और वीकडे पर आने का ट्राई करो बिकॉज वीकेंड इज गर्मी एंड होने वाली हो ना तब आना चाहिए। बाय द वे द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस होल प्लेस इज दिस कैसल ओवर हियर, इट्स सो ब्यूटीफुल गाइज, और अभी इवनिंग में तो और भी ब्यूटीफुल लग रहा है। ओके गाइज, सो सी यू गाइज लेटर, बाय बाय, लव यू ऑल। आज है हमारा डे 4th इन पेरिस आई सपोज, 1 2 3 4, या आई गेस 4 एंड हम लोग आज बहुत लेट निकले हैं बिकॉज आज हमने सोचा कि आज हम लोग थोड़ा आराम करेंगे और निकलेंगे बिकॉज थोड़े एग्जॉस्टेड थे, तबीयत ख़राब हो रही थी एंड सो अभी हम लोग शॉपिंग के लिए जाने वाले हैं। गाइस, आर यू एक्साइटेड? या व्हाई आर यू एक्साइटेड? यू स्टे इन पेरिस। शॉपिंग का टाइम हो चुका है और हम अभी फिलहाल जा रहे हैं कहाँ पर? प्राइमार्क। यस, बिकॉज हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू व्लॉग वाइल शॉपिंग विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज शॉपिंग में मैं खो जाती हूँ, बट वाओ। बाय गाइस, आई सी यू लेटर। गाइज, आपको लगता है कि लड़कियां ज़्यादा शॉपिंग करती हैं? गलत है। मैंने सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट देखा और अवेज आधे एक घंटे से शॉपिंग कर रहा है। तो अवेज ने भी लिया है फिलहाल, मैंने भी लिया है फिलहाल। गाइज, मेरे पास वाइट है बट देन मैंने ये डेली वेयर के लिए लिया है बिकॉज हमें, मुझे ये ऑफर में मिल रहा है एंड मुझे चाहिए था, सो यार अगेन। तो अभी फ़िलहाल मैंने पुल एंड बेयर से थोड़ी चीज़ें खरीदी है, अब वेट कर रही हूँ अपनी टर्न का। अवेज अभी तक कुछ खरीद रहा है, लाइक आई गेस वो जीन्स या कुछ ले रहा है। हमारी शॉपिंग अभी हो चुकी है, हमने काफ़ी शॉपिंग किया है, अब हमें डर है क्योंकि हमारा सामान बहुत होने वाला है, लगेज हमारा सामान ओवरवेट होने वाला है। यस, ओवरवेट होने के बहुत पॉसिबिलिटीज है। हम लोग अभी खाने जा रहे हैं क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है। आज का दिन काइंड ऑफ चिल्ड आउट था, वेस्ट तो नहीं हुआ बट हाँ चिल्ड आउट था। कल हमारा बहुत हेक्टिक डे होने वाला है क्योंकि कल लास्ट डे है पेरिस में और हम कल सारी चीज़ें करेंगे जो मिस हो चुकी हैं, ट्राई करेंगे जितना हो सके करने का। आई एम गोना मिस दिस सिटी बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। ड्यूरिंग टाइम इन दिस ब्यूटीफुल प्लेस आई कैन स्मेल सम गुड फूड। क्या कर रहे हो? वॉचिंग फुटबॉल। और गाइस, कल हम लोग शूट करने वाले हैं, वीडियोस बनाने वाले हैं और थोड़ी शॉपिंग भी होगी एंड अलविदा पेरिस। रॉन्ग, राइट, एंड लेट्स गो होम। अभी हम कहाँ जा रहे हैं पता है? हम कहाँ जा रहे हैं? मॉल इन रोज। मुझे पता है, पेरिस की सड़कों पर हम निकल पड़े हैं हमारी डेस्टिनेशन के तरफ। देखिए इस शख्स को, मुझे देखो करना चाहती थी, ये करना चाहती, देखो मेरे हिंदी इसका इंग्लिश जैसा है तो मैं क्या करूँ।
अभी सब सबके निकाल रहे हो। मेरा हिंदी फ्रेंच जैसा है, मेरा हिंदी फ्रेंच जैसा है। अबे से थैंक यू इन फ्रेंच। बोमी नहीं करो, मैं थैंक यू बोला। मेर्सी मैक्सी मैं पीने वाली। अभी चलो निकाल दें यहाँ से। हाँ चलो गाइस टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। अभी बहुत गंदे जोक्स मार रहे हो। अभी पता है छोटी बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन। चलो निकल दें यहाँ से। नेक्स्ट डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन। और जिसने भी गंदा जोक्स मारा ना पहली फुर्सत में निकलो यहाँ से, ठीक है? गंदा जोक मारेंगे तो गंदा जोक नहीं चाहिए यहाँ पे, अच्छे वाली चाहिए। मजा आ गया, क्या हवा चल रही है वहाँ पे, मजेदार। बगल का पसीना सुखाना है तो दोनों हाथ ऊपर करिए और ऊपर चढ़ जाइए और चल रहे हैं हाँ जी। इतने देर से यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब शूट करने वाले एक डांस वीडियो। कभी नहीं ऐसा ही शूट करना है, यहाँ यहाँ पे चोरी बहुत होती है गाइस, यहाँ पे हर टाइम आपको पुलिस का सायरन पता चलेगा। यहाँ पे जो स्ट्रीट्स है वहाँ पे थोड़ा सा सेफ रहना पड़ता है बिकॉज वहाँ पे पिक पॉकेटिंग और ये सब चीज़ें काफ़ी होती हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं कोई और लोकेशन पे बिकॉज आज हमारा सेकेंड लास्ट डे है एंड हमें वेस्ट नहीं करना टाइम। It's a beautiful place. Wait, मैं आप सबको दिखाती हूँ।